फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिट्स क्रिएटिविटी। कल मैंने आपको ये नैपकिन को कैसे ट्रांसफर करें एक कार्ड पेपर पे वो सिखाया था, और क्या टेक्निक थी। हमने प्लास्टिक यूज किया था और हमने उसको उसके बाद आयरन किया था। एक और तरीका भी है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कल वाला ही वीडियो का है। देखो, कार्ड पेपर है वो वाला। एक और तरीका भी है जिससे हम ये कर सकते हैं, और वो है फेविकॉल और पानी। ये मैंने फेविकॉल और ये देखिए, अब पानी दिख रहा है इसमें, ये फेविकॉल है। ये 1:1 रेशो में है। इसको बस मिक्स करना है अच्छी तरह से, और इसके बाद हम इसको, ये मिक्सचर को हम इस पर लगाएंगे और हमारा ये तैयार हो जाएगा। फेविकॉल को हमने अच्छी तरह से, ये देखिए, बाइंड हो गया है, अब कोई लम्स नहीं दिख रहे, तो हमने हमारा ये तैयार है। और ये वाला पेपर मैंने यूज किया है बनाने के लिए, ये फेविकॉल से ही किया है। चलिए, ये वाला तरीका आप सीखते हैं। ये मेरा पेपर है और ये मेरा ये जो नैपकिन है, और इसका मैं पहले तो ये पीछे का जो ये टू प्लाई मेरा है, मैं वो पेपर पीछे का निकाल रही हूं, इसको रख लेते हैं। अब क्या करना है, ये बहुत ही आसान तरीका है, बस इसके ऊपर हमें फेविकॉल लगानी है। हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं या पेपर के ऊपर भी लगा सकते हैं, हमको सिर्फ फेविकॉल की लेयर लगानी है इधर। बस जब हम प्रेस करेंगे तो ध्यान से देखिए मैं कैसे प्रेस कर रही हूं। मैंने अपनी लेयर, ये वाली जो लेयर है नैपकिन के लिए, ये लगा ली है। अब करते हैं हम, पहले तो हम ये ऊपर से शुरू करेंगे। इसको धीरे धीरे करके, को यही पेपर यूज कर लेते हैं इसका। अब हमको एजेस पे धीरे धीरे करके इसको बाहर की तरफ हिलाना है। ये जो एजेस रह गए हैं उसको भी हम सील कर देते हैं। हमें वेट करना है कि ये सूख जाए, और जैसे ही ये सूख जाएगा, मेरा ये नैपकिन पेपर पे आ चुका है और मैं इसे यूज कर सकती हूं जहां मुझे यूज करना है। बस देखिए कितना आसान सा तरीका है, इससे मैं बहुत सुंदर से कोस्टर बना सकती हूँ, कार्ड्स बना सकती हूँ, कुछ भी जो मुझे पसंद है मैं वो बना सकती हूँ। और कोस्टर तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये आराम से ऐसे टाइल पे, लकड़ी पे, कहीं पर भी नैपकिन ट्रांसफर भी हो सकता है। बस मैंने काट लिया है अपना पेपर और ये मेरा नैपकिन तैयार है। अभी थोड़ा सा गीला है, सूखने के बाद ये बिल्कुल यही लुक देगा। अब देखिए, इधर ही रख के दिखाती हूँ, ये कितना आसान है ये वाला जो मैंने बनाया है। सो फ्रेंड्स, आप कोई भी तरीके से अपना नैपकिन को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टिक शीट और आयरन का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।